झारखंड के एक साधारण परिवार से आने वाली द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को शपथ लेकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है। उनकी जीत के बाद सोशल मीडिया पर ये कोट काफी शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने ये कोट दिया था। इसके मुताबिक जिस दिन कोई आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगी, देश में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। फेसबुक से लेकर ट्विटर पर कई यूजर्स ये कोट डॉक्टर आम्बेडकर की तस्वीर के साथ या बिना उनकी तस्वीर के शेयर कर रहे हैं। यहां तक कि गुवाहाटी के अंग्रेजी अखबार द सेंटिनल में भी एक रीडर ने लेटर्स टू द एडिटर कॉलम में इस कथित बयान को लेकर अपनी राय रखी थी। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इस कोट के बारे में छानबीन की तो पाया कि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। हमने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद डॉक्टर आम्बेडकर के भाषण और उनके लेखन को चेक किया। इन्हें ठीक से समझने के लिए ऑल्ट न्यूज ने एक जानकार से संपर्क किया। ऑल्ट न्यूज ने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डिपार्टमेंट हेड हरि नारके से बात की। उन्होंने डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के लेखन और भाषणों के 17 से 22 वॉल्यूम एडिट किए हैं। उन्होंने वायरल कोट के बारे में बताया कि डॉक्टर बाबा साहब के लेखन और भाषणों पर किए गए अध्ययन के आधार पर मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर आम्बेडकर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर आम्बेडकर के हवाले से गलत बयान शेयर किए गए हो। हालांकि ये सब जानते हैं कि पहले भी कई बार डॉक्टर आम्बेडकर के हवाले से फर्जी कोट शेयर किए गए हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर डॉक्टर आम्बेडकर के हवाले से ये दावा किया जाता है कि वो सिर्फ 10 साल तक आरक्षण चाहते थे। भाजपा नेता सुमित्रा महाजन ने 2018 में ऐसा ही एक बयान दिया था। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के असिस्टेंट प्रोफेसर अनुराग भास्कर ने जून 2022 में अपने एक पेपर द मिथ ऑफ द 10-ईयर लिमिट ऑन रिजर्वेशंस एंड डॉक्टर आम्बेडकर स्टैंस में इस दावे को गलत बताया था। अनुराग भास्कर ने लिखा था कि अंबेडकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक आरक्षण के लिए 10 साल की निश्चित समय सीमा के पक्ष में नहीं थे। पूना पैक्ट के दौरान उनकी मांग थी कि 10 साल के बाद संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति को जनमत संग्रह से निर्णय लेना चाहिए कि अगर वो इस प्रणाली को जारी रखना चाहते हैं। हालांकि इस मांग को संविधान के अंतिम पाठ में शामिल नहीं किया गया था। आम्बेडकर ने इसे समान सुरक्षा पाने के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए अनुसूचित जाति पर छोड़ दिया था। वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सहमति के बिना राजनीतिक आरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता। राजनीतिक आरक्षण अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिंदुओं के बीच आपसी समझौते का परिणाम था। जब इसे संविधान में शामिल किया गया तो ये एक संवैधानिक वादे के समान हो गया। हालांकि संविधान सभा ने राजनीतिक आरक्षण पर 10 वर्ष की समय सीमा तय की थी। आम्बेडकर ने स्वयं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति में सुधार नहीं होने पर इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन की विधि निर्धारित की थी। 1960 के बाद से ये समय सीमा आम्बेडकर की मांगों के अनुरूप है। सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। यानी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनते ही डॉक्टर बी आर आम्बेडकर का ये बयान वायरल हुआ, जिसके मुताबिक अगर कोई आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगी तब देश में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ऑल्ट न्यूज के पड़ताल में सामने आया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये बयान डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने दिया था। साथ ही भीमराव आम्बेडकर के लेखन और भाषणों के जानकार हरि नारके ने भी इस बात की पुष्टि की है।